हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज की वीडियो में बात करूंगा लेटेस्ट सीक्वेंट साइंटिफिक के रिजल्ट्स की और कुछ की अपडेट्स की। तो जैसा कि आपको पता होगा कि Q1 FY22 का रिजल्ट आया है सीक्वेंट साइंटिफिक का, और रिजल्ट आते ही काफ़ी सिग्निफिकेंट क्रैश देखने को मिला। लगभग 14% डाउन था बाय द एंड ऑफ द डे, और वन पॉइंट ऑफ टाइम पे तो 20% तक भी डाउन था। तो बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं और बताऊं कि मेरी पोजीशन क्या है इस पर्टिकुलर रिजल्ट के बारे में और ओवरऑल थीसिस के बारे में। तो इस वीडियो को दो सेक्शन में डिवाइड करा है, पहले नंबर्स और उसके बाद नरेटिव। फंडामेंटल एनालिसिस में कभी भी सिर्फ नंबर्स या सिर्फ नरेटिव से काम नहीं चलता। अगर नंबर्स अच्छे हैं लेकिन नरेटिव खराब है तो भी स्टॉक उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, और अगर नंबर्स बहुत खराब हैं लेकिन सिर्फ नरेटिव है तो भी एक लॉन्ग टर्म थीसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी थीसिस नहीं बनेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर्स की। तो इस क्वार्टर के जो नंबर्स हैं, मैं ईयर ओवर ईयर नहीं कंपेयर करूंगा। ईयर ओवर ईयर ऑब्वियसली जो है अच्छी ग्रोथ नजर आएगी, क्योंकि लास्ट ईयर कोविड अफेक्टेड ईयर था, ज्यादातर कंपनीज के नंबर्स खराब थे। तो बात करेंगे क्वार्टर ओवर क्वार्टर की। तो पिछले क्वार्टर में जो रेवेन्यू था कंपनी का वो लगभग 360-361 करोड़ था, जो कि 320 करोड़ रह गया है। वहीं जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो लगभग नेट प्रॉफिट 20 करोड़ से गिर के लगभग 1 करोड़ से भी कम आ गया है। तो काफ़ी ज़्यादा पैनिक सेलिंग हुई, बहुत सारे लोगों ने शेयर बेचा, इसीलिए जो है लगभग एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 20% डाउन था कल। तो अगर हम इनके नंबर्स देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि ऑब्वियसली ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो लगभग 12% से गिर के लगभग 6-6.5% रह गए हैं। लेकिन मैं पर्सनली जब भी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ केवल रिजल्ट देखकर जो है सेलिंग नहीं करता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं ये देखता हूँ कि जो मेरी थीसिस है क्या वो थीसिस इंटैक्ट है, लॉन्ग टर्म थीसिस इंटैक्ट है या नहीं। तो एक दो क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे या खराब हो सकते हैं, लेकिन हमें जो है एज एन इन्वेस्टर ये देखना है कि हमारी जो लॉन्ग टर्म थीसिस है जो हमने ओरिजिनली बनाई है वो इंटैक्ट है या नहीं। तो मैंने सीक्वेंट साइंटिफिक के बिजनेस के ऊपर ऑलरेडी काफ़ी डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो ऑलरेडी नहीं देखी है तो आप डेफिनेटली उस वीडियो को देख सकते हैं, उससे आपको जो ओवरऑल पिक्चर है, पूरी स्टोरी जो है, जो पूरी थीसिस है वो समझ में आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि बिजनेस वाइज कैसे नंबर्स नज़र आ रहे हैं। तो फॉर्मुलेशन में जो है नज़र आ रहा है कि ईयर ओवर ईयर 14.5% का इंक्रीज है, वहीं एपीआई बिजनेस में जो है लगभग 4-4.5% का डिक्रीज है सेल में। तो ये तो थी नंबर्स की बात। अब बात करते हैं नरेटिव की। तो जो मैनेजमेंट की कॉन्फ कॉल हुई थी आफ्टर द रिजल्ट, मैंने वो कॉन्फ कॉल सुनी और एट अ हाई लेवल मुझे जो समझ में आया कि जो थ्योरी, ये जो पूरी की पूरी थीसिस है ये अभी भी इंटैक्ट है, जो 2025 तक का गोल है वो अभी भी इंटैक्ट है, और मेनली ये जो प्रॉब्लम है ये एक वन ऑफ प्रॉब्लम है जो कि सिर्फ इस पर्टिकुलर क्वार्टर में या मैक्सिमम नेक्स्ट क्वार्टर में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट करेगी, और उसके बाद ईयर ओवर ईयर जो गाइडेंस है वो भी अभी इंटैक्ट है। तो ईयर ओवर ईयर मैनेजमेंट का कहना है कि अभी भी 10% की लगभग ग्रोथ अचीव कर सकते हैं ये, इवन दो ये क्वार्टर खराब था। और जो इनका गोल है, लॉन्ग टर्म गोल है FY25 तक जो है रेवेन्यू को डबल से ज़्यादा करने का और मार्जिन एक्सपेंशन का, वो जो गोल है वो अभी भी इंटैक्ट है। तो इन नंबर्स में या इस पर्टिकुलर क्वार्टर में क्या क्या प्रॉब्लम्स रही, इसके साथ साथ काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा था कि मैं एक चीज़ और डिस्कस करूं कि इस बार जो है एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में एक नोट आया है कि जो मैनेजमेंट है उन्होंने कुछ रेवेन्यू अर्ली रिकॉग्नाइज कर लिया था पिछले क्वार्टर में, जिसकी वजह से प्रीवियस रिजल्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था, जो कि एक्चुअली में उतना अच्छा नहीं था। लगभग 15 करोड़ का रेवेन्यू एक्स्ट्रा रिकॉग्नाइज था और 5 करोड़ का प्रॉफिट एक्स्ट्रा रिकॉग्नाइज था। तो वो जो एक्चुअली प्रॉब्लम है वो क्वार्टर ओवर क्वार्टर की प्रॉब्लम थी कि अर्ली रिकॉग्निशन करा, तो ईयर ओवर ईयर यानी कि पूरे साल में जो रेवेन्यू है वो उतना ही रहा, कि जो नेक्स्ट क्वार्टर का रेवेन्यू था वो एक क्वार्टर पीछे रिकॉग्नाइज कर लिया था। इस वजह से जो है वो नंबर्स थोड़े गड़बड़ नजर आ रहे थे। मैनेजमेंट ने क्या कहा इस बारे में वो भी डिस्कस करूंगा। तो जो मेन प्रॉब्लम्स मुझे समझ में आई वो दो तीन रहीं। एक टर्की में बेसिकली हुआ क्या कि वहाँ की जो करेंसी है वो बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट कर गई, और इनका काफ़ी बड़ा बेस है वहाँ पर, इस वजह से जो रेवेन्यू वहाँ से इन्होंने कमाया वो अगर मैं करेंसी कन्वर्जन करके इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करूँ तो लगभग 20% का इन्हें नेगेटिव इम्पैक्ट आया उसकी वजह से। तो इवन दो कि वहाँ पे ग्रोथ डिसेंट थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो नेट नेट उसका इफेक्ट आया वो नेगेटिव आया। अब ये जो फैक्टर है ऑब्वियसली इसमें मैं मैनेजमेंट को कोई ब्लेम नहीं दूंगा, तो इसका जो इफेक्ट है उसे साइड में रखते हैं। दूसरा जो फैक्टर नजर आया वो था इन्फ्लेशन का। तो रॉ मटेरियल के प्राइसेस इंक्रीज करे काफी सिग्निफिकेंटली और इतनी जल्दी वो पास ऑन नहीं कर पाए। तो किसी ने क्वेश्चन पूछा था तो मैनेजमेंट ने कहा कि ये ऑब्वियसली ये जो प्राइस है
वो इमिडिएटली पास ऑन नहीं कर पाते, लेकिन नेक्स्ट एक दो क्वार्टर में जो है उसे पास ऑन कर देंगे और उसका जो इम्पैक्ट है वो नलीफाई हो जाएगा। तो ये भी कोई लॉन्ग टर्म थीसिस में इसमें भी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती कि ऐसा नहीं है कि इनके पास प्राइसिंग पावर ही नहीं है और ये पास ऑन कर ही नहीं पा रहे हैं, बस ये है कि एक दो क्वार्टर का डिले रहता है, विच इज़ काइंड ऑफ वो काफ़ी कंपनीज में रहता है। नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था वो था म्यूटेड डिमांड इन स्पेन। तो यूरोप का जो है मेन, इनका जो स्पेन है वो काफ़ी बड़ा बेस है और स्पेन में इनको इस बार थोड़ा ज़्यादा कॉम्पिटिशन देखने को मिला इन ओरल पाउडर्स। तो क्योंकि काफ़ी सारे प्लेयर्स एंटर कर गए, उसकी वजह से कंपटीशन ज़्यादा था, इस वजह से इनके मार्जिन्स वहाँ पर थोड़ी डिक्लाइन हुए, लेकिन मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट थी कि आने वाले समय में जो मार्जिन्स हैं वो वापस से जो है ठीक हो जाएंगे और इस क्वार्टर में भी जो है उन्हें ग्रीन शूट्स नज़र आ रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया। और फाइनली जो लास्ट फैक्टर था वो था एग्जीक्यूशन चैलेंजेस का, वो पर्टिकुलरली इंडिया में था, कंपनी के एम्प्लॉयज़ को काफ़ी सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करी थी इस पर्टिकुलर वेव में। काफ़ी एम्प्लॉयज़ को जो है कोविड हो गया था और इनफैक्ट दो एम्प्लॉयज़ की इनकी डेथ भी हो गई, विच इज़ लाइक क्वाइट अनफॉर्चुनेट। और इस वजह से जो है वो जो डिमांड थी उसे ढंग से फुलफिल नहीं कर पाए क्योंकि उतना अच्छा एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। तो ये भी एक टेम्परेरी प्रॉब्लम नज़र आती है। तो एट अ हाई लेवल ये 4-5 रीजंस थे और ये सारे ही मुझे एक वन ऑफ नज़र आते हैं। उसके साथ साथ थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जो है वो ईसॉप्स का था, जैसा कि हमें पता है कि कार्लाइल ने जो है इसका एक्विजिशन करा है। तो जो ईसॉप्स हैं, जो जो डील हुई थी, क्योंकि इनका स्टॉक काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से अप्रिशिएट करा, तो जो डिफरेंस था स्टॉक प्राइस में उसे एक्सपेंस आउट करना था, तो इस वजह से जो है एक वन ऑफ इन्होंने लिया है कि जो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट हुए थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द डील टू द मैनेजमेंट, वो नंबर्स, वो जो स्टॉक प्राइस अप्रिसिएशन की वजह से जो उसका इम्पैक्ट आया उसको एक्सपेंस आउट करा है। तो ये भी एक वन ऑफ है। और तो अब बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म थीसिस की। तो जो सीक्वेंट 2.0 का जो विजन है उसके लिए इन्होंने 4-5 चीज़ें जो है नोट डाउन करी थी और जो कि इनका प्लान है आने वाले 4-5 सालों में करने का, जिसकी वजह से ये रेवेन्यू को डबल कर पाएंगे और मार्जिन एक्सपैंड कर पाएंगे। तो जो 4-5 चीज़ें इन्होंने बताई ये करेंगे वो हैं, सबसे पहले ये जर्मनी फैसिलिटी में यूएस एफडीए का अप्रूवल लेके आएंगे और जर्मनी से जो है एक्सपोर्ट करेंगे यूएस में जो फॉर्मुलेशंस हैं उन्हें। तो काफ़ी बड़ा मार्केट है, उसकी वजह से एक केपेक्स भी कर रहे हैं, कैपेसिटी भी एक्सपैंड कर रहे हैं जर्मनी की। तो ये तो हुई एक बात। उसके अलावा ये जो पेट डिवीजन है उसमें एंटर करेंगे और पेट मार्केट में भी पर्टिकुलरली ब्राज़ील, टर्की और इंडिया, इन तीन मार्केट्स में एंटर करने की कोशिश करेंगे। और नॉर्मली अब नई मार्केट्स में एंटर करेंगे मेनली यूएस, यूके, जर्मनी, इंडोनेशिया और वियतनाम। इनमें से कुछ मार्केट्स में ये ऑलरेडी है बट इन मार्केट्स में और ज़्यादा डीपर पेनिट्रेशन करेंगे। तो ये जो तीन चीज़ें हैं इससे जो है ये अपने गोल को मीट करना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि इन गोल्स के अगेंस्ट प्रोग्रेस कितनी है, इस क्वार्टर में क्या प्रोग्रेस हुई। तो पेट डिवीजन के बारे में, तो इंडिया में पेट डिवीजन में ऑलरेडी इस क्वार्टर में एंटर कर गए हैं, तो विच इज़ अ पॉजिटिव। तो यूएस एफडीए अप्रूवल और यूएस की जो सप्लाई है, इनका कहना है कि बाय FY24 तक जो है ये एक्चुअली में वो अचीव कर पाएंगे। और मेन रीज़न बीइंग कि यूएस एफडीए के अप्रूवल के लिए वेट कर रहे हैं और उसका अप्रूवल आने में अभी 18 से 24 महीने कम से कम लगेंगे, क्योंकि यूएस एफडीए ह्यूमन फार्मा को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है ओवर एनिमल फार्मा, और इस वजह से जो है लगभग 2 साल का डिले रहता है फॉर गेटिंग अ यूएस एफडीए इंस्पेक्शन। तो अब बात कर लेता हूँ कि जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन का प्रीपोनमेंट हुआ था, जो कि इस बार की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में नज़र आया है, वो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है और क्या वो एक डील ब्रेकर है मेरे लिए। तो मुझे ये लगता है कि क्योंकि जो इनके प्रीवियस प्रमोटर हैं वो कार्लाइल को अपना स्टेक सेल कर रहे थे, तो इस वजह से वो ऑब्वियसली बेटर वैल्यूएशन के लिए जो है प्रॉफिट एंड लॉस को अच्छा दिखाने के लिए फ्यूचर के जो रेवेन्यू हैं उन्हें थोड़ा सा प्रीपोन करके दिखा रहे थे। अब ये मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ, ऐसा हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है ऐसा हो सकता है, बट मे बी कुछ और रीज़न हो, मे बी एक्चुअली में कुछ प्रॉब्लम हो। अब मुझे ये लगता है कि अब देखिए, अगर ऐसा था तो ऑब्वियसली जो है अब इस बार प्रमोटर चेंज हो गया है तो वैसे भी इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नया प्रमोटर है और नया प्रमोटर ये डिस्क्लोज कर रहा है, विच इज़ लाइक इवन बेटर। और दूसरी जो बात है कि ये क्लियरली सबसे पहला ही क्वेश्चन था कॉन्फ कॉल में, और उसका जो है आंसर मैनेजमेंट ने ये दिया कि एक वन ऑफ था, आने वाले क्वार्टर्स में जो है रेवेन्यू जिस क्वार्टर का है उसी में रिकॉग्नाइज होगा और उसका कोई इम्पैक्ट आने वाले क्वार्टर्स में नहीं देखने को मिलेगा।
तो इन शॉर्ट जो लॉन्ग टर्म थीसिस है उसके ऊपर इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इससे। तो फाइनली इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, अपनी जो वैल्यूएशन शीट मैंने ओरिजिनल थीसिस में बताई थी वो वैल्यूएशन को रिकम्प्यूट करके आपको दिखाऊंगा और साथ साथ ये बताऊंगा कि मैं इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ क्या कर रहा हूँ। अब इस तरीके की सिचुएशन में जो है दो तीन चीज़ें होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रिजल्ट बहुत ही ख़राब है, स्टॉक को सेल कर दो। कुछ लोग कहते हैं कि स्टॉक 15-20% डाउन है, एक बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बाय कर लो। हमें एज एन इन्वेस्टर एक लॉन्ग टर्म थीसिस के हिसाब से चलना चाहिए। और होता क्या है कि किसी भी स्टॉक में एग्जिट करना तो बहुत ही आसान होता है, लेकिन वापस एंट्री करना मुश्किल होता है क्योंकि आपको डिजायर्ड वैल्यूएशन नहीं मिलती है। अब मैंने पर्टिकुलरली इस कंपनी में एक अच्छी वैल्यूएशन पे एंट्री करी हुई है ऐसा मुझे लगता है, और मैं इतनी आसानी से नहीं निकलूंगा एज लॉन्ग एज द लॉन्ग टर्म थीसिस इज इंटैक्ट। अब होता क्या है, स्टॉक मार्केट में ये छोटी मोटी चीज़ें तो आती रहती हैं, हर क्वार्टर में आती रहेंगी, कभी नंबर्स कम होंगे कभी नंबर्स ज़्यादा होंगे। अपने स्टॉक्स जो पोर्टफोलियो है उसमें बहुत ज़्यादा छेड़ा खानी करने में, बहुत ज़्यादा उंगली करने में हमेशा नुकसान ही होता है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि यू कैन नेवर टाइम द मार्केट। तो इस पर्टिकुलर कंपनी में जो लॉन्ग टर्म थीसिस है वो अभी भी इंटैक्ट है। जो प्रॉब्लम्स हैं वो ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर ईयर में देखने को मिल रही हैं, इस पर्टिकुलर क्वार्टर में देखने को मिल रही हैं। तो मैं पर्टिकुलरली ना इसमें बाय करूंगा और ना इसमें सेल करूंगा। तो सेल ना करने का तो रीज़न समझ में आ रहा है कि जो है थीसिस इंटैक्ट है तो ऑब्वियसली मैं सेल नहीं कर रहा हूं, लेकिन बाय ना करने का जो रीज़न है, जो एवरेज अप ना करने का जो रीज़न है वो ये है कि स्टोरी के साथ साथ वैल्यूएशंस भी मैच करने चाहिए। और पर्टिकुलरली इस कंपनी में मुझे तो जो मैं इंक्रीमेंटल पैसा लगाऊंगा उसको उस पर भी मुझे एक अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल चाहिए ना, तो ऑब्वियसली मुझे अभी वैल्यूएशंस उतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रही हैं जितनी अट्रैक्टिव लास्ट ईयर थी। तो पर्टिकुलरली मैं अगर जो है बाइंग मेरे अगर स्टॉक प्राइस 200 के नीचे आता है, 210 220 तक भी आता है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी पर्सनली फॉर मी, जो कि एक्चुअली मैं कल आया था लगभग 225-30 के आसपास आया था, लेकिन क्योंकि कॉन्फ कॉल नहीं हुई थी और मुझे पता नहीं था कि थीसिस इंटैक्ट है या एक्चुअली में थीसिस ख़राब हो चुकी है, तो जब तक वो सुन ना ली जाए, जब तक पूरा एनालाइज ना कर लिया जाए नंबर्स को, अननेसेसरी ज़्यादा जल्दबाजी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो फॉर पर्टिकुलरली फॉर मी आई विल जस्ट होल्ड दिस स्टॉक, और लेटेस्ट वैल्यूएशन शीट आपको जो है इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चाहें तो उसे डिटेल में देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।